अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 में वहां की खुश आमदीद चवान तो पियो। यकीन नवां जे ज़हन में यह गाल ड्रोंदी होंदी, मैथमेटिक्स भी पेरिया का लिखी छड़ भी आए छा, आई हमी भी चवंदा होंदो न, आई मां भी चवान तो पियो न। जिने फिजिकल क्लास होंदो आए तो उनमें अंदर डिस्कशन करण जो अलग ही वे होंदो आए, पर ही कुछ खास डेफिनेशंस हैं, खास पॉइंट हैं जो कि मां कुछ वक्त पेरिया सोचे उन सभी के एक्सट्रैक्ट आउट कर लिखो है, पर इन में अंदर अना मैथमेटिकल शूँ जरूर डिस्कस कंदासी, जरूर इनके गौर से बुधा। हि इंतहाई अहम तरीन शूँ के सीख तमाम जरूरी शूँ जस्ट टू मेमोराइज आर द पॉइंट्स। एक्सपोनेंटल फंक्शन, एक्सपोनेंटल फंक्शन आई, एक्सपोनेंटल फंक्शन में मुराद को फंक्शन y इज इक्वल्स टू a ओवर x मीन्स पावर x हो जी, जिथे तवां जो a केड़ो भी रियल नंबर थी सगी तो पियो, केड़ो भी रियल नंबर, देन y इज एन एक्सपोनेंटल फंक्शन ऑफ x, x जो एक्सपोनेंटल फंक्शन आही टू द बेस a, बेस a थी हो एंड y एक्सपोनेंटल फंक्शन थी हो टू द x। सर कड़े लिहाज से अहां कदें कदें अड़े किस्म जहाँ क्वेश्चन कदें दिठा? हाँ बिल्कुल सर दिठा। इन फंक्शन्स जो नालो हों एक्सपोनेंटल फंक्शन्स, अड़े किस्म जहाँ सवाल में दिठा? हाँ बिल्कुल दिठा। ये एक्सपोनेंटल फंक्शन के डिफाइन कंदा, पर याद रहे इतने ए तवजो कदें भी वन नो सके पो एक्सपोनेंटल फंक्शन थी। सवाल पैदा तुम छो सर बिल फर्ज के y इज इक्वल्स टू वन पावर वन लैक वन थाउजेंड इट रिमेन्स अकेन वन, तो यो एक्सपोनेंटल फंक्शन के डिफाइन न पो करे, अड़ो फंक्शन जिनकी वैल्यू रख पावर रखने से काश चेंज थी वही, ते करे ए तवजो जस्ट हिते वन नथो थी सके पियो, इनके असी एक्सपोनेंटल फंक्शन्स चवंदा आयो। ही उनकी खास डेफिनेशन है जेके तवांके ज़हन में रखन खपे। y is equal to a power x, a means any real number not variable, x variable आहे ठीक। अच्छा तो उनके असी एक्सपोनेंटल फंक्शन थींदासीं अहिड़े क़िस्मनि जा। अच्छा हाणे सवाल पैदा थिए पियो, जेकॾहिं इहो a बिटवीन ज़ीरो ऐं वन जे विच में लाइ करे, बिटवीन ज़ीरो ऐं वन मां मुराद कीअं? सर 0.5 बिल्कुल सही, 0.9 बिल्कुल सही, 0.1001 बिल्कुल सही, अहिड़ा नंबर्स जेके बिटवीन ज़ीरो ऐं वन जे विच में जेके नंबर हुजनि मीन्स जब मीन्स ए लाइ करे, ए मां मुराद कंहिंखे? उहो हिन जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, उहो हिन ॻाल्हि जी, त यानी कि जेको ए आहे तव्हांजो उहो ए इन बिटवीन नंबर्स के विच में लाए करे असी चवंदासी ओ छा थींदो आहे, देन वाई। ये अगर ज़हन में रखी छो, ये एमसीक्यूस काफ़ी दफ़ा आयल है, इन एक्सपोनेंटल फंक्शन के छा चइबो? डिक्रीजिंग फंक्शन चइबो। मिसाल तौर कीअं? ये इन ॻाल्हि खे वाज़े तरीक़े सां डिफाइन कर रहियो आहे। जेकॾहिं तव्हांजो को वैल्यू बिल फर्ज़ के मां अहां खां सवाल पुछां थो, भाई वाई इज इक्वल्स टू 0.5 होल पावर एक्स, कहिड़ो फंक्शन थींदो? अमी ज़हन में रखी छॾियो, डिक्रीजिंग फंक्शन थींदो। छो डिक्रीजिंग थींदो बाबा? छाकाणि त ए इज बिटवीन 0 एंड 1, वाज़िद निशानी मां रखी आहे, त जेकॾहिं का बि पॉइंट 0 ऐं 1 जे विच में हूंदी त अहिड़े फंक्शन्स जो ग्राफ अबाउ द एक्स एक्सिस थींदो ऐं उहे फंक्शन्स असांजा डिक्रीज़िंग फंक्शन चवराइबा, कुझु हिन तरफ़ हीउ फंक्शन हिन तरफ़ पियो हले, ही अव्हांजो डिक्रीज़ थींदा आहिनि। ठीकु आहे, बहरहाल। अच्छा हाणे ॻाल्हि सवाल पैदा थी थिए, साईं जेकॾहिं 1 खां वधीक हुजे, 1 बि न हुजे, वन का छाकाणि त वन थींदो ई न, वन खां वधीक ॻाल्हि निकिरी वञे। मिसाल तौरु कीअं? सर वाई इज इक्वल्स टू 2 पावर x। अच्छा 2 1 खां वधीक आहे, सर वाई इज इक्वल्स टू 1.1 पावर x, एक्सपोनेंटल फंक्शन त आहे। हा बिल्कुलु, त एक्सपोनेंटल फंक्शन पोइ तव्हांजो कहिड़ो थी वेंदो आहे? इनक्रीज़िंग थी वेंदो आहे। कहिड़ो थी वेंदो आहे? इनक्रीज़िंग एक्सपोनेंटल फंक्शन थींदो आहे।
यह गल याद रहे जीरो ए वन के विच में डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन वन का ग्रेटर इंक्रीजिंग जैसे वन हों तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही ना है। हाँ क्लियर। वेन ग्राफ लाई अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मथे ग्राफ लाई करे देन फंक्शन हैज द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। द फंक्शन के केड़ा वैल्यूज होना है पॉजिटिव वैल्यू होंदा आहिन ओनली। ये गाल सेम रखी छियो। अच्छा हां सवाल पे दा सही ही केड़ो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ ये वैल्यू छा है 2 पॉइंट समथिंग आ इंक्रीजिंग आ डिक्रीजिंग आ मन लिखिया पॉइंट वन का थिंग वड्डो है ना इन गाल के डिसीजन जे नशिन कयो ही कदे सवाल ले सके तो भी y = e पावर x इज इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन अमा के जेन में जे e जो वैल्यू छा है 2.78 सम 718 समथिंग मींस एप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक दिस वन इक्वल आ है चाहे यो वन का वडो आए बिल्कुल वडो आए तो पो इन फंक्शन के असी जंदासी इंक्रीजिंग फंक्शन आए बहरहाल तो यानी कि इनके असी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जंदा इन जिनी वैल्यू ही थिंदो आए बहरहाल जको तवा खबर आए 2.718। व्हेन द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट न करे मींस द फंक्शन हैज नो जीरो वैल्यू। अच्छा जे इंटरसेक्ट करे हा तो जीरो वैल्यू थी दस जीरो वैल्यू हुन वट होजन लाजिमा हुंदो। अच्छा जी न करे त फाइन न करे त पो जीरो वैल्यू हुन दस। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शंस ते अचन खा पेरिया मुके उम्मीद आ तवा के समझ में आई हुंदी गाल इन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ए रियल नंबर के डिफाइन करे तो पियो एक्स एक्सपोनेंशियल के डिफाइन करे तो एक्स मींस पावर वेरिएबल के डिफाइन करे तो पियो ग्राफ जेकदहीं व्हेन द ग्राफ लाय अबव एक्स एक्सिस तो एड़े फंक्शन जा वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव थींदा। बस ये बटे गाली हुआ है जगने एक्स एक्सिस के इंटरसेक्ट कन न कन दो तो उन वैल्यू भी जीरो न थी दो कन दो तो वैल्यू भी जीरो थी दो मींस इन मातवा जा काफी एमसीक्यूज थे ही सगन था प्या ए मारी इंडस्ट्री वर्कशीट या उनमें। अच्छा पॉइंट नंबर टू। अच्छा वो सॉरी टॉपिक नंबर सेकंड दैट इज कॉल लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन छा थी हुआ है इनके थोड़ो गौर सा केमिस्ट्री में ढो इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल लॉगरिथमिक फंक्शन है इफ स्टेटमेंट के गौर से जो y इज इक्वल्स टू a पावर x एंड a इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मींस नेगेटिव वैल्यू न थियण खपे पॉजिटिव वैल्यू। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन गाल केड़ी कई हुई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन गाल कई भाई रियल नंबर हो जण खपन केड़ा पॉजिटिव रियल नंबर और रियल नंबर में तो लाइक केड़ा केड़ा नंबर अची गया जो है वन का वधिक हुजण खपे। अच्छा वन का वधिक थियो। अच्छा पर ए वन के बराबर हो जण खपे देन एक्स इज जको ही एक्स है केड़ो ही एक्स is a logarithm function of y, x logarithmic function आए कहें जो y जो। अच्छा पो a जो किरदार केड़ो आ द पोएट टू द बेस a या डेफिनेशन ऑफ logarithm जी ही x is the logarithmic function of y टू द बेस a तो याद है स्टेटमेंट में ये बस पॉइंट अहम है ये विषय में बात खत्म थी भाई। अच्छा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ और सॉरी ही को एक्सपोनेंट आ जिन 2 यू पावर 64 के बराबर है 64 जी। लॉगरिथम में लिखी देगा रे बाबा लॉगरिथम में लिखण जो आसान तरीको है फार्मूलो है मैट्रिक क्लास का सी पढ़ाइंदा इंदा आयु भाई a पावर b इज इक्वल्स टू c हो जे तो यो असा थी सके तो log ऑफ a c इज इक्वल्स टू b। अच्छा a के डिफाइन पियो करे 2 पियो करे माना log a जगह ते मां छा रखा 2
बी के केर पर डिफाइन करे सॉरी सी के केर पर डिफाइन करे सी के डिफाइन करे पर 64 माना मां 64 रखा बी के केर पर डिफाइन करे 6 द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 इज 6 मींस एक्स जका गाल हते चई रहे होयो छा चई रहे होयो मां जके वापस हला त x is the logarithmic function of y to the base a means 6 is the logarithmic function of 64 to the base 2 gal sahi hai ha theek hai na okay acha next number point ani hi to tumhare liye easy thi ho to bhai hi a ha hi sahi b formula paan thayo e c log a c is equals to b sai log ha sai a 3 ha sai c kedo a 81 ha is equals to what is the b b is 4 a c b ha b kano hai 4 hai ha bilkul theek hai ye gal zehn mein ho jana khape अच्छा वरी इनमें वही खशट चे तो पो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज अहम तरीन प्रॉपर्टीज पढ़ी आया आयो मैट्रिक तीन पढ़ी आया आयो बहरहाल विसरी गई तो कोई मसलो ना वरी पढ़ाए तो छूँ पा मल्टीप्लीकेशन में तवाजी एडिशन थी सर कि भाई ऐसो लॉग ऑफ केर तीन 12 के 3 एंड 4 में टोड़ो टू द बेस बी कर अच्छा हाँ इनके तुम ट्रोड़े लिखो लॉग 3 जो अलग कढ़ो लॉग इन जो अलग कढ़ो तो तुम्हें क्या कढ़ो तुम्हें चंदो सर तमाम आसान लॉग ऑफ 3 टू द ए बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलो जैसे बशिंग मल्टीप्लीकेशन में आज असा अलग लिखी सकूं था पिया विद में एडिशन नहीं आंसर देखो फर्क न पौंदो लॉग ऑफ 4 टू द बेस बी ए सॉरी ए बिनी तरफा ना तुम छा दे छियो तुम ए दे छियो गाल जेन में रखो अच्छा यह पॉइंट है डिवीजन में उजे तो माइनस मल्टीप्लीकेशन मुझे तो प्लस अच्छा सागी गाल जेकर लॉग ऑफ बी ही हुए 3/4 अवां के लिखनो हुए तो लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ 3 टू द बेस ए ही ए आई सॉरी ठीक है अच्छा बहरहाल 3 माइनस लॉग केंजे लिहाज से ए टू द 4 क्लियर ओके अच्छा अच्छा केंजो पावर हो जे लॉगरिथम में पावर हमेशा लॉग या मल्टीप्लाई कब है मसलन एग्जांपल ले उठाऊं एग्जांपल ले उठाऊं लॉग ऑफ बिल फर्स्ट क्यों ए एक्स स्क्वायर है हल करो तो कुछ कोई मसलो ना ही जस्ट एंड जस्ट तुम टू के अगर खड़ी चो लॉग के अगर स्पेस पो है ना यो इन फॉर्मुले मकसद है तो माना टू लॉग ऑफ ए एक्स बहरहाल यह गाल क्लियर थी वही अच्छा सर ये लाइड़ी भला है इनवर्स लॉगरिथम मी असा वट इनन जी एक्स चेंजिंग थींदी आहे छा किया बहरहाल लॉग ऑफ डब्ल्यू टू द 3 जेकने मां इनवर्स फॉर्म में लिखा तो क्या लिखंदुस इन बिनी के पान में एक्सचेंज के किया लॉग 3 W. Easy thing, हाँ अच्छा ये वाली कड़ी भला अची भाई साईं इतने तो साईं बी जो को कॉन्सेप्ट ही कोने सवाल ही अंदर हमी बी अलाई के ना आंदी आए गांव को घर को खड़ी आया हुआ कॉन्सेप्ट आए बिल्कुल लागत समझो अच्छा की है साईं गाल आए एक्स तो एक्स पयो आए ये ए तो ओ हिते ए छु आयो क्या के डिफाइन दो करे पियो मना ही बी एग्जैक्टली इन बी ये इक्वल हाँ बिल्कुल बच्चा जदे भी तमा के एडी कंडीशन जो को क्वेश्चन मिलन दो 5 एंड 10 मिले बिल फर्स्ट के
विल फर्स्ट क्यू लॉग ऑफ 5 and 10 तमा के मिले ऐं चवे हिन कंडीशन में लिखी ॾेखारियो कंफ्यूज थियण जी का ज़रूरत न आहे कंफ्यूज़ थियण जी का ज़रूरत न आहे तव्हां हिन कंडीशन में कीअं लॻंदो लॉग 10 त तव्हीं लिखंदो लॉग 10 त तव्हीं लिखंदो एज़ इट इज़ जीअं तव्हांजो लिखियो पियो आहे उन ते का बि चेंजिंग न थींदी अच्छा 5 बि एज़ इट इज़ लिखंदो लॉग ऑफ 5 जिथे पंहिंजो पियो हुयो अलॻि हर कंहिंखे अलॻि सां अच्छा सर हाणे हिन जॻह ते बेस ऐं उहो हिन जॻह ते छा लिखूं कुझु बि ॾेई सघे थो पियो गॾु रखी छॾियो घोड़ो रखी छॾियो कुझु बि रखी छॾियो न हीअ बी डज़न मैटर त माना मां बी रखियो आहे तव्हां बि सुभाणे बी कई छॾियो डज़न मैटर ऐं पंहिंजो फोटू ठाहे रखी छॾियो लाॻतनि खे डिफाइन करे बरहाल फोटो रखणो न आहे ऐं ईअं मिसाल थो ॾियां ईअं न त सुभाणे फोटो पंहिंजो ड्राइंग करे अचो न हिते बरहाल सी थी सघे थो पियो को चए न सर बी बी एफ एफ साईं एस एस कहिड़ो बि शइ लिखो को फ़र्क़ु नथो 9 लिखी छॾियो मल्टीप्लीकेशन कयो फ़र्क़ु नथो पवे पियो अच्छा हिन चवंदा आहियूं असीं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ बेस बरहाल ही असां वटि बी आहे ही असां वटि ए आहे जनरेटिंग ऑफ एनी न्यू बेस हिन खे लॉग अलॻि ॾियो बी खे लॉग अलॻि ॾिनोसीं ए खे लॉग अलॻि ॾिनोसीं पर हिन हिन बेस खे असीं जनरेट कयोसीं अमी जनरेट करे छॾियो को फ़र्क़ु नथो पवे जनरेट करण सां त माना इन खे असां चवंदा आहियूं चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अच्छा साईं हीअ वरी कहिड़ी भला थी वई ए वाए ई वाए लागे हीअ वरी छा थी वियो ग़लति न लिखियो आहे न मां ग़लति न लिखियो आहे मां ग़लति सोचे रहिया आहियां ठीकु शइ आहे सर ही किथे पढ़ियो आहे डेरीवेटिव में त न पढ़ियो अथव यादि अथव डेरीवेटिव में यादि कयो पढ़ियो हूंदव पढ़ियो अथव ठीकु आहे अच्छा हाणे हिन कीअं कजे सही कीअं माना सुवालु हूंदो सर सुवालु हीअं हूंदो मिसाल तौरु 2 power y चवंदो इन द फॉर्म ऑफ लॉग लिखी ॾेखार 2 कहिड़ी जॻह ते आहे ॿी जॻह ते आहे बिल्कुलु वाए त वाह ई आहे अच्छा सर माना ई त ई रहंदो एक्सपोनेंट वाए त वाए माना लॉग जे अॻियां पोइ लॉग ऑफ माना 2 थींदो बिल्कुलु इफेक्ट ई न आहे और ॾिसो न ईज़ीएस्ट फॉर्मुलो आहे डेरिवेटिव में ईंदासीं त सभु सम्झंदासीं अच्छा लॉग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटल फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन इनवर्स हूंदो आहे एक्सपोनेंटल फंक्शन जो ठीकु आहे ॻाल्हि सम्झ में अची रही आहे ही अहम तरीन पॉइंटूं आहिनि हीअ अवां खां पुछा कयूं वेंदियूं हिकिड़ी ॿी अहम तरीन पॉइंट परी तरफ़ ॾे मां लिखी आहे ऐं उहा कुझु हिन तरीक़े सां आहे छा चई रहियो आहे त साईं a = 1 माना मक़सदु छा थियो हिन जो मक़सदु इहो थियो बाबा त लॉग 500 जो 500 सां को पुछे 1 बेस कंहिं बि शइ जो साॻी बेस सां लॉग हमेशह 1 जे बराबरि थींदो आहे पहिरीं पॉइंट इहा त ज़हन में रखो मिसाल को चयो साईं लॉग मिसाल मिसाल गॾह साईं गॾह त को अहिड़ो हूंदो गॾह ॾिसंदो गॾह जो गॾह सां लॉग 1 मिसाल अञा पियो थींदो त नंबरनि में आहे साॻे नंबर जो साॻे बेस सां लॉग 1 जे बराबरि थींदो ठीकु ओके अच्छा 1 जो लॉग कंहिं बि बेस सां हिते ई ए आहे ए डिफाइन करे थो पियो कंहिं बि बेस सां 0
कोचिंग में जेके बार होया असा मोड बैच में वे इन गालन के जरूर एग्री कंदा होंदा या मैट्रिक पढ़ी आया जेके ठीक त ही छयूं सब असि डिफाइन कयूं है हर एक शय जो प्रूफ पढ़ाईंदा है हर फार्मूले जो ठीक है बरा फिलहाल एंट्री आए तो प्रूफ की तरफ न पे वहां मन कें भी शय जो जो तुम लाग वो कें वन जो लाग कें भी बेस वो आंसर कें बराबर जीरो जे पर कें भी नंबर जो सागे बेस से उन ही नंबर से लाग वो तो कें बराबर वन जे इन गाल नशीन कर छोड़ ये असो हो लागर्थमिक फंक्शन लागर्थमिक फंक्शन का असट कड़ो फंक्शन है अस उन डिस्कस कंदी दैट इज अ कंपोजिटिव आर कंपोजिशन फंक्शन वो कड़ी भला है अचोस तो उनके डिस्कस क्यों उन तरीके से कुछ गाल नशीन।